हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चटकारा कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं जैसलमेरी चना सब्जी। इस सब्जी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन चनों को 5 से 6 घंटा भिगोना है। उसके बाद इसे थोड़ा सा नमक डालकर 3 सीटी आने तक उबाल देना है। और ये अनारदाना होता है, अनारदाने को 5 से 6 घंटा मैंने भिगो लिया था। ये देखिए, मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद में हमें इस तरह से इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है, ये देखिए। और हम दही के अंदर सारे मसाले मिला लेते हैं। ये हमने लिया है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, ये 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 3 चम्मच ही धनिया पाउडर। ये मैंने करीब 250 ग्राम चने लिए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको ये मसाले बता रही हूँ। नमक और गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। इन्हें हम अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। ये मैंने दही खट्टा लिया है। जितना आप चने की क्वांटिटी ले रहे हैं, करीब उतनी ही क्वांटिटी में हमें दही लेना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए, ये मैंने करीब 100 ग्राम घी लिया है, इसे गर्म करना रख देते हैं। इस सब्जी में घी थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, लेकिन अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या कोई और कारण है, घी आप कम खाना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। कोशिश करें इस सब्जी को घी में बनाएं, और अगर फिर भी आप तेल में बनाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये घी गर्म हो रहा है। ये जैसलमेर की प्रसिद्ध सब्जी है। मैं ये मेरी आंटी के घर पे गई थी, वहां पर मैंने खाई थी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो मैंने ये उनसे रेसिपी सीखी और घर पर बनाकर ट्राई की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसीलिए मैंने सोचा ये आपको भी मैं शेयर करूं और बताऊं कि जैसलमेर की प्रसिद्ध चना सब्जी किस तरह से बनाई जाती है। इसीलिए मैंने ये आपके साथ बनाना स्टार्ट किया है। ये घी हमारा कुछ हद तक गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये हींग। अब ये डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, और 10-12 पत्ते करी पत्ते के। साथ में ही हम ये डाल देंगे जो हमने दही का बैटर तैयार किया था मसालों के साथ में, वो। ये इसे हमें चलाते हुए पकाना है। अगर छोड़ देंगे तो हमारा दही फट जाएगा। ये देखिए, इस तरह से गैस की फ्लेम हमें नॉर्मल ही रखनी है। जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आए तब तक हमें इसे छोड़ना नहीं है। ये देखिए, सब्जी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे, मसाला भी पक चुका है। अब इसमें ये डाल देंगे अनारदाना जो हमने मिक्सर में पीस कर रखा हुआ था। ये सब्जी हल्का मीठा और खट्टा टेस्ट देती है, तो आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अनारदाना को थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अनारदाना डालना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, वरना इस सब्जी का टेस्ट सही नहीं आएगा। ये मसाला पक रहा है। मसाले को हमें अच्छे से पकाना है, वरना सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इस सब्जी में लहसुन, प्याज या अदरक, हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डलती है, सिर्फ मसाला और दही। इसका बैटर तैयार किया जाता है, और ये सब्जी हमारे यहाँ पर देसी घी में ही बनाई जाती है, राजस्थान में, जैसलमेर में ही। अगर आप फिर भी तेल का यूज करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा तेल डालकर भी आप इस सब्जी को बना सकते हैं। ये देखिए, मसाले पे बबल्स उठने लगे हैं, मसाला पक चुका है। अब हम इसमें ये 2 चम्मच आटा लेंगे, ये देखिए,
और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसे फेंटना है। मसाले ने भी एकदम ऑयल छोड़ दिया है, सॉरी घी छोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह थोड़ा पतला करकर और हम इसे धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ मसाले में नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे डालते हुए इसे पकाएंगे। और इसे लगातार चलाते रहना है। सब्जी की ग्रेवी थोड़ी थिक ही होती है, ज़्यादा पतली नहीं होती। इसे चावल के साथ खाया जाता है जैसलमेर में। ये देखिए थोड़ा पानी और डाल देते हैं। इसमें उबाल आने के बाद करीब 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चने। ये मसाला हमारा पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ये डाल देंगे उबले हुए चने। इसमें उबालते समय मैंने नमक डाल दिया था, इसलिए अब थोड़ा ही नमक हम डालेंगे। और चनों के साथ जो पानी था उबालते समय जो डाला गया था वो भी हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। ये मैं मेरे टेस्ट के अनुसार 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए इसका बैटर इस तरह से ही तैयार होता है। ये देखने में एक तरह से कढ़ी जैसा ही लगता है। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे ये 3 चम्मच चीनी। गरम मसाला डालकर थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। 1 चम्मच करीब गरम मसाला डाल रही हूँ। ये देखिए अब इसे हम ढककर सिम आंच पर करीब 2 मिनट पकाएंगे। सब्जी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी का टेस्ट खट्टा और मीठा दोनों ही होता है, इसलिए हम इसे टेस्ट करके देख लेंगे। ये सब्जी थोड़ी इसमें खटाई कम लग रही है और चीनी भी कम लग रही है, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच चीनी और ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा ऐड कर देंगे हम अमचूर और इसे अच्छे से मिक्स करके एक मिनट और पकाकर और सर्व करने के लिए रख देंगे। बाकी ये रेडी है सब्जी, इसमें कोई कुछ और डालने की आवश्यकता नहीं है। चीनी घुलने तक बस हमें इसे पकाना है। इसे ढककर बस 1 मिनट और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाने की ज़रूरत है। ये सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर देते हैं। इसे हम चावल पूड़ी या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये थोड़ा सा हम डाल देंगे इस पे मक्खन। ये देखिए देखने से ही चटकारे लगाने का मन कर रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपकी सब्जी कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।